वीडियो पे क्लिक कर लिया है मतलब आप लॉकडाउन में खतरनाक बोर हो रहे हैं एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको ये सारा टाइम कैसे स्पेंड करना है. वेल आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो जस्ट टू हेल्प यू, सो एनश्योर कि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं. गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विथ यू सम प्रोडक्टिव थिंग्स दैट यू कैन बी डूइंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन इन साइड योर हाउस. तो जैसे कि आपने कल हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्पीच एड्रेस सुना ही होगा जिसमें उन्होंने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि ये जो लॉकडाउन है ये 14th अप्रैल से लेकर अभी एक्सटेंड हो चुका है 3rd मई तक. तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक पार्ट टू भी बनाया जाए. इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, मैंने इस टॉपिक पे एक और वीडियो मेरे चैनल पे पहले भी बनाया था कि प्रोडक्टिव थिंग्स जो आप कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन वाइल क्वारंटाइनिंग एट होम. तो अगर आपको वो वीडियो चेक करना है तो प्लीज विजिट माई चैनल एंड सी दैट वीडियो एज वेल. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स start with the part 2 of 10 productive things that you can do while sitting at home during the lockdown. So the first thing jo aap kar sakte hai are doing online courses. So there are multiple platforms which are available online and also aap android mein jaake you know bahut sare and also apple store, android apple store whatever you, mobile you have accordingly aap bahut sare aise apps download kar sakte hai like skillshare, udemy. आई एम श्योर यू ऑलरेडी हर्ड ऑफ दीज. तो ऐसे प्लेटफॉर्म डाउनलोड करके ऐसे ऐप्स डाउनलोड करके आप उन पर जाके जो है ये डिफरेंट कोर्सेज अवेल कर सकते हैं. ऑल ऑफ दीज कोर्सेज आर ऑब्वियसली नॉट फ्री, सम ऑफ देम यू नो आर चार्जिंग अ रीजनेबल फीस, बट आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू यू नो सिट डाउन एंड डू दीज कोर्सेज बिकॉज नॉट ओनली डू दे हेल्प इन एनहेंसिंग योर रेज्यूमे बट ऑल्सो आपका टाइम अच्छे तरीके से प्रोडक्टिवली आप स्पेंड कर पाओगे. सेकेंड आई विल लाइक टू टॉक अबाउट ऑनलाइन इंटर्नशिप्स. कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो रहे हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेस दिन में कितने घंटे होंगे, 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं. सो वाई नॉट यूटिलाइज दैट टाइम बाय यू नो लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप ऑप्शंस, इंटर्न फ्रॉम होम ऑप्शंस. एंड ऐसे ऑप्शंस आपको नौकरी पे, मॉन्स्टर पे, ऐसे डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे जरूर मिल जाएंगे. डोंट लुक फॉर यू नो अ वेरी हैवी स्टाइपेंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज अभी इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी बैड रिसेशन. इनफैक्ट ये रिसेशन अभी पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ है. इट इज जस्ट गोइंग टू गेट वर्क पे आप स्टाइपेंड आपको नहीं भी मिले लेकिन जॉब एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है इंटर्नशिप्स के थ्रू बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होता है. एंड आप ये टाइम जो है ऑनलाइन इंटर्नशिप ढूंढ के एंड ऑनलाइन इंटर्नशिप करके स्पेंड कर सकते हैं. इसके बाद आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्किन केयर, CTM विच इज क्लीनिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग विच इज अ वेरी वेरी पॉपुलर वे ऑफ डूइंग स्किन केयर. एंड मैंने ऑलरेडी एक बेसन मलाई फेस पैक का वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, सो प्लीज गो एंड चेक दैट आउट एज वेल. एंड आप मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल स्क्रब्स, मल्टीपल फेस पैक्स घर पर ही बना के यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से यू नो आई थिंक यूजिंग टर्मरिक, कर्ड, हनी, लेमन, बेसन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर जनरली अवेलेबल इन आर हाउस. तो हम ये सारी चीज़ें जो है मिक्स करके फेस पैक बना के स्किन केयर कर सकते हैं एंड अपने स्किन का जो है अच्छे से ख्याल रख सकते हैं. Moving on, this is actually a pretty interesting point and I will tell you why I have added this in my video. So the point is to prepare a list of things that you will want to buy after the lockdown is lifted. So basically, अभी lockdown के time पर जैसे आपको पता ही है कि जो e-commerce channels हैं like Flipkart, Amazon and all of these channels, they are only allowed to you know deliver essential goods, right? जैसे अगर आपका जो आपने order किया है अगर वो medicine है या फिर कुछ groceries है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो essential goods and essential services के category में आते हैं तभी आपको वो चीज़ें मिल पाएंगी. अदरवाइज आपका ऑर्डर जो है या तो प्लेस नहीं होगा या तो प्लेस होके कैंसिल होके आपको रिफंड मिल जाएगा. सो आप इस टाइम पे आई एम श्योर आपको क्रेविंग हो रही है कि काश मैंने ये खरीद लिया होता, काश मैंने वो खरीद लिया होता, अरे यार मुझे तो इस चीज़ की ज़रूरत है लेकिन मैं अभी लॉकडाउन की वजह से ये ऑर्डर नहीं कर पा रही हूँ. तो यूटिलाइज दिस टाइम एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टाफ दैट यू विल वॉन्ट टू ऑर्डर वंस दिस लॉकडाउन इज ओवर. ट्रस्ट मी आई एम डूइंग द सेम बिकॉज मैंने अभी रियलाइज किया कि काश मेरे पास एक ऑटोमेटिक एग बॉयलर होता, जो अंडा बॉयल करने वाला एक मशीन आजकल बहुत ही पॉपुलर हो चुका है अमेज़न. यू नो कुकर में या किसी बर्तन में उसको बॉयल करना, उससे क्या होता है कि वो बर्तन भी आपको एक्स्ट्रा धोना पड़ता है, टाइम भी आपको ज़्यादा लग जाता है. लेकिन एग बॉयलर में क्या है, आप जब तक सब्जियाँ काट रहे हो तब तक आपका एग बॉयल हो जाता है आराम से उस मशीन में एंड साथ में आपके 6-6 अंडे अच्छे से बॉयल हो जाते हैं. सो आई थिंक इट्स अ प्रीटी कूल थिंग टू हैव. एंड ऑल्सो फॉर मी पर्सनली बिकॉज मैंने पहले सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब पर इतने रेगुलरली अभी वीडियोज़ डालने वाली
वाली हूँ. मैं पर्सनली ये लॉकडाउन का टाइम ऐसे ही यूटिलाइज कर रही हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइंड एंड रिलैक्स माई सेल्फ बाई डूइंग समथिंग क्रेजी, डूइंग समथिंग न्यू विच इज़ यूट्यूब फॉर मी राइट नाउ. सो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना रेगुलरली वीडियो फिल्मिंग करने वाली हूँ. तो मैंने एक छोटा सा माइक्रोफोन एंड एक ट्राईपॉड लेने का प्लान तो किया था, लेकिन मैं ले नहीं पाई. तो द मोमेंट द लॉकडाउन इज़ ओवर ना, मैं ट्राईपॉड एंड माइक्रोफोन लेने वाली हूँ. सो आप भी एक ऐसा लिस्ट बना सकते हैं सोच साच के कि आपको क्या क्या ऐसी चीज़ें यू नो डेली यूज़ में लग रही है, लेकिन आपके पास वह भी अवेलेबल नहीं है. एंड द मोमेंट द लॉकडाउन इज़ टेकन ऑफ, आप वो सारी चीज़ें जो है ऑर्डर करना चाहेंगे. द फिफ्थ थिंग विच आई हैव फॉर यू गाइज इज एक्चुअली रीअरेंजिंग योर ड्रॉइंग रूम और योर बेडरूम. कि आप अपना रूम जो है वो रीअरेंज कर सकते हैं. मीनिंग कि सपोज आपका पर्सनल बेडरूम है तो आपने थोड़ा सा बेड को शिफ्ट कर दिया, थोड़े से डेकोर इधर उधर कर दिए. बेसिकली जस्ट रीशफल द आइटम्स ऑफ योर रूम टू गिव योर रूम अ न्यू लुक. तो आप वो कर सकते हैं आप टाइम स्पेंड करने के लिए. एंड मूविंग ऑन, दिस इज एक्चुअली लिटिल बिट ऑफ अ फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी बट आई रियली वांटेड टू इंक्लूड दिस. सो या आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है ना अपने आप देखेंगे कि बिकॉज पोल्यूशन कम हो गया है एंड लोग कम निकल रहे हैं बाहर, लॉट ऑफ स्पैरोज आर बैक. आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्पैरोज एक्चुअली इन माई किचन एंड इन द विंडो एंड एवरीवेयर. सो ऑल ऑफ दीज बर्ड्स आर बैक एंड ऑल ऑफ दीज यू नो स्ट्रे डॉग्स, उनको बहुत कम खाना मिल रहा है बिकॉज जो लोग उनको रेगुलरली खाना प्रोवाइड कर रहे थे वो खुद घर से कम निकल रहे हैं. बिकॉज लोगों को खुद राशन कम पड़ रहा है इसलिए डॉग्स को कोई उतना फीड नहीं कर रहा है. तो आप जो है अगर आपके घर में कुछ खाना बच जाता है या फिर थोड़ा बहुत जो है आप कुछ खाना एक्स्ट्रा है आपके पास, तो आप वो सब लेके आप डॉग्स को फीड कर सकते हैं. स्पेंड सम टाइम विद द एनिमल्स, स्पेंड सम टाइम विद द बर्ड्स. आप उनको भी थोड़ा सा बिस्किट या कुछ तो ग्रेन्स फीड कर सकते हैं. एंड ऑल्सो ये जो पीएम रिलीफ फंड है, फिर ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फंड्स है जिसके साथ पेटीएम एंड ऑल दीज एप्स हैव ऑल्सो टाइड अप. तो आप इनमें थोड़ा थोड़ा करके डोनेट कर सकते हैं. ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, कम्प्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन आई थिंक मैंने बिकॉज पर्सनली मैंने थोड़ा सा किया है, आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लिटिल फ्रॉम माई सैलरी टूवर्ड्स यू नो दिस फंड. तो मुझे अच्छा लगा. आई मीन इट रियली फील्स गुड, यू नो इट गिव्स यू अ किक, इट गिव्स यू अ गुड वाइब एक्चुअली. बिकॉज यू नो हमारे पास ना इतने सारे रिसोर्सेज हैं बट वी आर स्टिल कंप्लेनिंग कि भाई हमारे पास ये खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया है. लाइक आई एम लिटरली यू नो सिटिंग एंड थिंकिंग कि आई शुड हैव परचेस्ड सम बेकिंग यूटेंसिल्स एंड कोकोआ पाउडर एंड बेकिंग पाउडर एंड मैं केक्स बनाती. यहाँ पे मैं केक बनाने का सोच रही हूँ, यहाँ पे लोगों के पास दाल चावल खाने के भी पैसे नहीं हैं एंड यू नो पीपल आर जस्ट रोमिंग अराउंड हेल्पलेसली. गवर्नमेंट अपने साइड से डेफिनेटली ट्राई कर रही है, लेकिन गाइज अगर आप सब मिलके थोड़ा थोड़ा भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करोगे या फिर आप सब लोग अगर एक एक स्ट्रे डॉग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, इट एड्स अप टू अ लॉट. सो इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव या फिर इससे ज़्यादा फील गुड एक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती. मूविंग ऑन, दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट. एक्चुअली आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ कितने नंबर का पॉइंट है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. सो दिस इज एक्चुअली आई हैव रिटन की यू कैन मेंटेन अ जर्नल, जर्नल मेंटेनिंग. नाउ सम ऑफ यू जो ये वीडियो भी देख रहे हैं, सम ऑफ यू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग डायरीज, सम ऑफ अस डोंट हैव द हैबिट, वी डोंट राइट डायरी. सम ऑफ यू यूज टू राइट डायरी या फिर जर्नल पहले, एंड अभी वो आदत छूट गई है. वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस पॉइंट आई टेल यू. जर्नल लिखने से अभी डेली अगर आप जर्नल लिखना स्टार्ट करते हो, डायरी लिखना स्टार्ट करते हो ना, एवरी डे अगर आप एक एक पैरा भी लिखो कि आज आपने क्वारंटाइन में क्या किया, आज आपने क्वारंटाइन में क्या नया सीखा, आज आपने कौन से दोस्तों के साथ रिकनेक्ट किया, आज इंडिया में कितने केसेस हैं, इंडिया का क्या स्टेटस है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या स्टेप्स उठा रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा थोड़ा नोट करके एक डेली जर्नल मेंटेन करते हो ना, दिस इज समथिंग विच इज अनप्रेसिडेंटेड. दिस सिचुएशन इज समथिंग विच इज अनप्रेसिडेंटेड. दिस हैज़ नॉट हैपेंड इन अबाउट यू नो 100 years. सो दिस इज समथिंग यू नो विच वी कैन ऑलवेज टॉक टू विद आर किड्स एंड विद आर ग्रैंड किड्स. एंड इफ यू हैव अ जर्नल लाइक दिस एंड इफ यू मेंटेन दिस जर्नल विथ योर सेल्व फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम, देन आप अपने यू नो फ्यूचर जनरेशन के साथ ये सारे किस्से, ये सारे स्टोरीज शेयर कर सकते हैं. सो सोच के भी कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना कि आपके पास, बिकॉज वॉट हैपन्स इज इफ यू डोंट कीप इट इन राइटिंग ना, तो आपको ये माइन्यूट जो डिटेल्स हैं वो ऑब्वियसली याद नहीं रहेंगे कि मोदी जी ने अपने एड्रेस में क्या बोला था, आपने आज क्या नया रेसिपी ट्राई किया क्वारंटाइन में, कौन सा राशन आपको कम पड़ गया, ये सारी जो फनी फनी एंड
न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में हो रहे हैं। आप सुबह गए ग्रोसरीज लाने, उसमें कितना लंबा लाइन था, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, अभी कोई भी आपके अनोखे एक्सपीरियंसेस जो आप अभी फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप एक मेंटेन करते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो फिर आप कितने आसानी से अपने फ्यूचर जनरेशन को ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। मूविंग ऑन, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ प्लानिंग आवर फाइनेंसिस। गाइज, यू कैन वेरी वेल सी वेयर द इकोनॉमी इज गोइंग। देर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज विच आर really facing the harsh side of this virus, and people are losing jobs, and some people have already started getting pay cuts. So it's actually a very difficult time for the Indian economy and for the economy worldwide, but especially because we are concerned with the Indian economy primarily. So it's really a very, very bad time that we are in, right, economically. तो हमारे फाइनेंसेस प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अभी आपको प्लान आउट करना है कि आपको कितना सेव करना है, कितना कैसे क्या प्लान करना है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स रियली नीड टू बी प्लान आउट वेल। सो यू नो, पुट योर ब्रेन टू इट एंड यूटिलाइज दिस टाइम टू सिट एंड हैव अ प्लान फॉर सेविंग योर फाइनेंसेस एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। बिकॉज अभी आई एम नॉट सेइंग कि यू नो कम्प्लीटली बिकम अ नेगेटिव पर्सन, या फिर ये सोचना स्टार्ट कर दीजिए कि भाई मेरी कंपनी मुझे कल से सैलरी नहीं देने वाली। लेकिन एक प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप कैसे सब अरेंज करने वाले हो, कैसे आप सारी चीजें मैनेज करने वाले हो। फाइनेंशियल पॉइंट इज एक्चुअली टू ट्राई आउट इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक्स एट होम। सो आपको ऐसी बहुत सारी रेसिपीज ऑनलाइन मिल जाएंगी। आई कैन शेयर वन ऑफ द ड्रिंक्स रेसिपी, नॉट अ रेसिपी बट आई कैन टेल यू व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स यू कैन मिक्स टू मेक दिस। सो दिस इज एक्चुअली अ टर्मरिक जिंजर टी, टर्मरिक या फिर हल्दी चाय आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आप डाल सकते हो, जिंजर, हनी, टर्मरिक ऑब्वियसली, सिनेमन स्टिक, फिर जो है इलायची, एंड इसमें आप ग्रीन टी भी डाल सकते हो, ग्रीन टी के पत्ते, एंड लेमन जूस। सो ये सारी चीज़ें जो है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज, एंड इफ ऑल ऑफ दीज आर मिक्स टुगेदर, इट रियली मेक्स अ वेरी नाइस इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक। तो आप जब घर पे ही है, आई थिंक आई डोंट नो हाउ मच दीज ड्रिंक्स एक्चुअली हेल्प, वो तो डॉक्टर्स ही बोल पाएंगे, लेकिन आई मीन वाई नॉट, इफ़ यू हैव ऑल ऑफ दीज इंग्रीडियंट्स एट होम, आप सब इसको मिक्स करके फेस पैक्स बना सकते हो स्किन केयर के लिए, तो अपने हेल्थ के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। सो या एंड लास्ट पॉइंट इज एक्चुअली टू इंट्रोस्पेक्ट। सो व्हाई आई हैव मेंशन्ड इंट्रोस्पेक्ट इन दिस वीडियो इज बिकॉज राइट नाउ लॉकडाउन पे बैठ के आप डेफिनेटली ये रियलाइज कर रहे हो कि लाइफ में कौन सी चीजें आपने फॉर ग्रांटेड ली है, जैसे कि आपका हाउस हेल्प, और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक ये जो ऑनलाइन एप्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो आप बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करके सोचे कि आपने क्या क्या चीज़ें फॉर ग्रांटेड ली है, आपको कौन सी चीज़ों को उनका वैल्यू देना है। वंस ऑल ऑफ दिस इज ओवर, आई एम श्योर कि दिस एक्सरसाइज इज गोइंग टू हेल्प यू रियलाइज कि आप लाइफ में कौन सी चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहे थे, जिनको आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनके बारे में सोचिए, एंड आई एम श्योर कि दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो गोइंग टू नॉट ओनली किल योर टाइम, बट आप भी सोचेंगे एंड रियलाइज करेंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है लाइटली लिया है, फॉर ग्रांटेड लिया है, make an action plan to just improve yourselves. So guys, that was my video. I really hope that you enjoyed watching this and that all of these points, all of these activities that I listed out in front of you are going to be of some help to you. And if you found this video to be helpful, please don't forget to like this video, share it with your friends, and yes, don't forget to subscribe to my channel, guys. Please, please, please hit the like button, subscribe to my channel, hit the bell button, and I will see you in my next video.